हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 2023-24 की बजट की जो मैंने वीडियो पहले बनाई थी उसी की ये पार्ट टू है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या क्या माइलस्टोन्स अचीव किया गया है। पार्ट टू में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या न्यू एस्टैब्लिश किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पार्ट वन की तरह मैंने पार्ट टू में भी ऐसे समरी बनाया हुआ है टेबल के फॉर्म में। सो फर्स्ट वन देखते हैं। 157 नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे। ये 150 नर्सिंग कॉलेजेस जो मेडिकल कॉलेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि 2014 में इस्टेब्लिश किए गए थे, उन्हीं के को लोकेशन में होंगे। 27 उत्तर प्रदेश में, 23 राजस्थान में, 14 एमपी में, 11 तमिलनाडु एंड 11 वेस्ट बंगाल, बिहार में 8 एंड जम्मू कश्मीर और उड़ीसा में 7 ईच। ऐसे आप देख सकते हो अदर स्टेट्स के भी कहाँ कितने खोले जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं 5G सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए लैब्स ओपन किए जाएंगे। टोटल 100 लैब्स ओपन किए जाएंगे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में। इससे न्यू रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बिजनेस मॉडल्स होंगे और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ये लैब्स जो है रेडी टू यूज होगी, फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट एंड कॉम्प्लेक्स टेस्टिंग एनवायरमेंट प्रोवाइड करेगी। और ये लैब्स जो है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल्स एंड एल्गोरिथम के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए हेल्पफुल होगी। थर्ड है वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स जो है एस्टैब्लिश किया जाएगा अंडर गोवर्धन स्कीम, जो कि कितने किए जाएंगे तो 500। अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 500 ड्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स बनाए जाएंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 करोड़ लगेंगे इसमें। इन 500 प्लांट्स में से 200 प्लांट्स जो होंगे वो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स होंगे। अब ये गोवर्धन स्कीम क्या है, तो गोवर्धन का फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स स्कीम। ये स्कीम जो था ये स्वच्छ भारत मिशन फेज टू प्रोग्राम के अंडर इम्प्लीमेंट किया गया था और इसका मेन एम है सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना। ये लॉन्च हुआ था अप्रैल 2018 में। ये स्कीम फोकस करता है विलेज क्लीन रखने में, हाउस होल्ड इनकम बढ़ाने में रूरल एरिया में, एंड कैटल वेस्ट से एनर्जी जनरेट करने में। एक यूनिफाइड पोर्टल बनाया गया है गोवर्धन स्कीम के अंडर, जो कि इंश्योर करता है स्मूद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायोगैस स्कीम। टोटल 589 बायोगैस और CBG प्लांट्स अभी तक फंक्शनल हैं गोवर्धन स्कीम के अंडर में। जो बायोगैस होता है वो प्यूरिफाइड किया जा सकता है और अपग्रेड किया जा सकता है 98% प्योरिटी पे, जो कि फिर यूज़ किया जा सकता है एज अ ग्रीन फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन के लिए और सिलेंडर्स फिलिंग के लिए। नेक्स्ट फोर्थ वन, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोला जा रहा है 10,000। बजट में ये अनाउंस किया गया है कि नेक्स्ट 3 ईयर्स में सेंटर्स खोले जाएंगे, जो कि 1 करोड़ फार्मर्स को फैसिलेट करेगा ताकि वो नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट कर सके। इस सेंटर्स के थ्रू फार्मर्स को माइक्रो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बेसिकली ये बायो इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे ताकि नेचुरल वे में फार्मिंग को प्रोसीड किया जाए। नेक्स्ट है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे 30। ये सेंटर्स जो है यूथ को स्किल प्रोवाइड करेंगे एज वेल एज इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करेंगे। होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के साथ ही ये वीज़ा सपोर्ट और इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो कॉम्पिटेंट बन पाए इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में वर्क करने के लिए। नेक्स्ट है 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट जो है लास्ट एंड फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी को देखेगी। टोटल 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इस पे, जिसमें से 15,000 जो है वो प्राइवेट सोर्सेज से लिया गया है। इसके साथ ही 50 एडिशनल एयरपोर्ट हेलीकॉप्टर्स, वाटर एयरड्रम्स और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी रिवाइव किया जाएगा, सो डैट एयर कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो पाए। नेक्स्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस इस्टेब्लिश किए जाएंगे फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि 3 किए जाएंगे और ये सेंटर्स टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ही सेटअप किया जाएगा। ये सेंटर्स प्रमोट करेंगे AI यूज़ डिफरेंट सेक्टर्स में थ्रू गवर्नमेंट मिशंस एंड विच विल इवेंचुअली प्रमोट करेगा AI यूज़ इंडिया में। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, एंशियंट इंस्क्रिप्शन जो होते हैं उन्हें डिजिटलाइज्ड किया जाएगा अंडर भारत श्री मिशन। तो टोटल कितने इंस्क्रिप्शन किए जाएंगे डिजिटलाइज फर्स्ट स्टेज में, तो 1 लाख। भारत श्री का फुल फॉर्म क्या है, तो भारत शेयर्ड रिपोजिट्री ऑफ इंस्क्रिप्शंस।
ये एक स्पेशल रिपोजिटरी होगी जो कि डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम में बनाई जाएगी। फर्स्ट स्टेज पे 1 लाख इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो डिजिटलाइज किए जाएंगे। ये म्यूजियम हैदराबाद में खोला जा रहा है। जितने भी इम्पॉर्टेंट एंशंट इंस्क्रिप्शन है डिफरेंट रीजन्स से इंडिया के, सारे यहाँ पे डिस्प्ले किए जाएंगे और डिजिटलाइजेशन करके, और इनके साथ ही एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी रहेगा जिससे कि एक कॉन्टेक्स्ट मिल सके इंस्क्रिप्शंस के। यहाँ जो विजिट करेंगे उन्हें लॉस्ट लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगे, जो स्क्रिप्ट्स देखने को मिलेंगे सेवरल लैंग्वेजेस में। सो ओवरऑल हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख ली जो कि सेटअप होंगे या कुछ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए जाएंगे या कुछ ओपन होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो ताकि आपको एक समरी मिल सके। जो पार्ट 1 वाली वीडियो है उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस पार्ट में इतना ही, एंड नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है उसमें जितने टोटल स्कीम्स हैं और उनमें कितनी एलोकेशन की गई है अमाउंट, एंड उसके साथ ही कौन से स्कीम और जितनी बची हुई है उनकी एक ब्रीफ डिटेल्स मैं दूंगी। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।